नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएनसी की। डीएनसी यानी कि डायलेशन एंड क्यूरेटिस। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है डीएनसी और किस तरह से डीएनसी किया जाता है, कब कब हम डीएनसी करते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम डीएनसी में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। डीएनसी इज द थेरेप्यूटिक गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर एज वेल एज द मोस्ट ऑफन यूज मेथड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज और एबॉर्शन, जो कि कब होता है 4 से 12 हफ्ते में। एंड इट इज मोस्टली यूज व्हेन मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन इज अनअवेलेबल। डीएनसी रिफर्स टू द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स और वाइडनिंग और ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और कंटेंट ऑफ द यूट्रस बाय स्क्रूपिंग, स्कैपिंग एंड क्यूरेटिंग। तो डीएनसी में क्या करते हैं, वाइडनिंग करते हैं सर्विक्स की, ओपनिंग करते हैं सर्विक्स की। किससे? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं डायलेटर, जिसका नाम है हैगस डायलेटर। उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सर्विक्स को ओपन करते हैं, उसको डायलेट करते हैं। हैगस डायलेटर आते हैं अलग अलग साइज़ के, तो हम अलग अलग साइज़ के डायलेटर यूज़ करेंगे जब तक कि सर्विक्स एडिक्वेटली डायलेट नहीं हो जाता। और जब हमें लगता है कि सर्विक्स एडिक्वेटली डायलेट हो गया है, उसके अंदर क्यूरेट इंसर्ट की जा सकती है, तो हम इंसर्ट करते हैं एक क्यूरेट को। क्यूरेट क्या होता है, एक मेटल की बनी हुई इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके कि एक तरफ पे लूप बना हुआ होता है और एक तरफ पे होता है हैंडल। हैंडल से हम क्यूरेट को होल्ड करते हैं और लूप की मदद से, जो कि क्यूरेट में लूप बना होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्यूरेट करते हैं और स्क्रैप करते हैं और कुरेदते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। तो कुछ क्यूरेट एक इस तरह की होती है कि इसके एक साइड पे एक हैंडल होता है, दूसरे साइड पे एक लूप बना होता है, और कुछ क्यूरेट इस तरह से होती हैं कि इनके दोनों साइड में लूप बने होते हैं, जो कि एक साइड पे शार्प लूप होता है और एक साइड पे ब्लंट लूप होता है। तो उनकी मदद से हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन लाइनिंग को क्यूरेट करते हैं, यानी कि स्क्रैप करते हैं, यानी कि कुरेदते हैं, जो कि एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होती है उसको निकालते हैं। फिर जो भी सैंपल, टिश्यू सैंपल हमें उस क्यूरेट करके मिलता है, उसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भेज देते हैं। अब जानते हैं कि कब कब हम डीएनसी करते हैं, कि प्रोसीजर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है कि जिसमें हम डीएनसी करते हैं। तो सबसे पहला आता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अगर यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, तो उस टाइम पे हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं जिसका नाम है डीएनसी, डायलेशन एंड क्यूरेटिस। और वी कैन ऑल्सो परफॉर्म डीएनसी टू रिमूव द एक्सेस यूट्राइन लाइनिंग इन द वुमेन हु हैज द कंडीशन सच एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी पीसीओडी। आजकल की महिलाएं पीसीओडी से काफ़ी ग्रस्त हैं, तो उसके लिए भी हम डीएनसी प्रोसीजर को कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन परफॉर्म डीएनसी टू रिमूव द टिश्यूज ऑफ द यूट्रस दैट मे कॉज एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। और एक कंडीशन होती है जिसका नाम है पोस्टपार्टम रिटेन प्लेसेंटा, जिसमें क्या होता है कि डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का कुछ भाग यूट्रस में ही रह जाता है, तो उसको उस टाइम पर हम डीएनसी करके प्लेसेंटा को रिमूव कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, डीएनसी प्रोसीजर करते हैं। वी कैन आल्सो परफॉर्म डीएनसी टू रिमूव द रिटेन्ड टिश्यूज, आल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन केस ऑफ मिस्ड और इनकम्प्लीट मिसकैरेज। अ कंडीशन इन विच सम ऑफ द टिश्यूज रिमेन इन यूट्रस एंड सर्विक्स स्टे ओपन, दिस में इंक्रीज अ वुमन्स रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कंटिन्यूस ब्लीडिंग। और फाइनली एज अ मेथड ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन के तौर पे तो हम कर ही सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि कब कब हम डीएनसी कर सकते हैं, एक तो तब जब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तब, और दूसरी कंडीशन वो है जब पीसीओडी हो किसी वुमन को, उस टाइम पे कर सकते हैं। और अगर एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तब हम कर सकते हैं, और रिटेन्ड प्लेसेंटा है, पोस्टपार्टम रिटेन्ड प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, उस टाइम पे हम डीएनसी कर सकते हैं। और उस कंडीशन में जब क्या होता है कि कंसेप्शन का जो भी पार्ट है वो यूट्रस में रह जाता है, सर्विक्स ओपन रह जाता है और ब्लीडिंग होती रहती है, तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। और एबॉर्शन के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनसी का। तो ये तो था डीएनसी क्या होता है और किस तरह से डीएनसी किया जाता है और कब कब हम डीएनसी करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट डीएनसी में यूज़ करते हैं।
तो ये है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ट्रे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमने रखे हैं। तो इस सेट की मदद से आप डीएनसी कर सकते हैं। तो इसमें रखेंगे हम सबसे पहले एक लार्ज ट्रे, जिसमें हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो लार्ज ट्रे विद लीड हो सकती है और विदाउट लीड भी हो सकती है। तो मोस्टली हमें ऐसा करना चाहिए कि विद लीड यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। साथ में रख लेंगे हम दो गैली पॉट्स या फिर स्मॉल बाउल, और दो किडनी ट्रे, और साथ में रखते हैं हम टॉवल क्लिप्स। टॉवल क्लिप्स होते हैं हमारे अलग अलग तरह के, जैसे कि बैक वॉश, मायो और क्रॉस सेक्शन। तो जिस भी तरह का हम टॉवल क्लिप यूज़ करते हैं, तो सब एक जैसे ही टॉवल क्लिप यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डायलेटर की, कि हम क्या डायलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के डायलेटर यूज़ होते हैं, जैसे कि हैंक्स सर्वाइकल डायलेटर, जिसको अलग अलग साइज के होते हैं। साइज 9 से 20 तक का ये स्टार्ट होता है। और हमारे पास होता है एक गॉडेल्स डायलेटर, जो कि एक सेल्फ रिटेनिंग डायलेटर होता है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। और हमारे पास होते हैं हैगर्स सर्वाइकल डायलेटर, जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलते हैं, और इनकी मदद से हम सर्विक्स को डायलेट कर देते हैं। ये भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, 2.5 से लेकर 12 तक का इनका साइज़ होता है, जिससे हम सर्विक्स को डायलेट कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम वेजाइनल स्पैकुलम की। वेजाइनल स्पैकुलम अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम और ईस्टमैन वेजाइनल स्पैकुलम और ऑवर्ड वेट स्पैकुलम, तो इस तरह से ये देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। ईस्टमैन वेजाइनल रिट्रैक्टर कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिलता है। इसको हम रख सकते हैं उस सेट में। और सिम्स वेजाइनल रिट्रैक्टर कुछ इस तरह से होते हैं। ये भी अलग अलग साइज के होते हैं, छोटा बड़ा और उससे बड़ा। और साथ में हम रखते हैं ओवर्ड वेटेड स्पेकुलम, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए हमें मिलता है। और हमारे पास आता है एक सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम, जिसको बोलते हैं कस्को स्पेकुलम, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। इसको भी हम अपने डीएनसी सेट में यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम रखते हैं मेटल कैथेटर, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। अगली पिक्चर में आप देखेंगे कि किस कैसा है ये। तो इस तरह से हमें मेटल कैथेटर देखने के लिए मिलेगा। और रख सकते हैं हम सेट में एंटीरियर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, जो कि इस तरह से देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं क्यूरेट की। तो हमारे पास अलग अलग तरह की क्यूरेट होती हैं, जैसे कि थॉमस और सिम्स शार्प और हिने सेरेटेट। तो हिने सेरेटेट क्यूरेट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है, जिसके कि सामने पर लूप जो बना है वो कांटे की तरह उभार है उसमें। सिम्स शार्प यूट्राइन क्यूरेट जो है वो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है, और थॉमस डल यूट्राइन क्यूरेट हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है। यह डबल एंडेड यूट्राइन क्यूरेट, इसके दोनों साइड में लूप बना होता है, और जो कि क्यूरेट करने के काम आता है, और साथ में इसमें एक यूट्राइन साउंड भी रखा गया है। यह यूट्राइन क्यूरेट सिंगल एंडेड। अब ये है हमारे पास यूट्राइन साउंड, जो कि मेज़र करने के काम आता है लेंथ को। तो इसमें मेज़र करने के लिए पॉइंट बने होते हैं, मेजरमेंट बना होता है, जो इस तरह से देखने के लिए हमें मिलता है। साथ में हम रख सकते हैं टेनाकुलम फोर्सेप स्ट्रेट और कर्व्ड, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए हमें मिलती है। एक हमारे पास होती है पॉली फोर्सेप, जो कि स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है। ये स्पंज होल्डर की तरह ही देखने के लिए हमें मिलते हैं। साथ में हम रखेंगे टर्नर वार्विक रीनल स्टोन फोर्सेप, जो कि कर्व्ड होती है और स्ट्रेट होती है। ये हमारे पास स्पंज होल्डर फोर्सेप, जो इस तरह से है पॉली फोर्सेप की तरह। बीपी हैंडल साथ में रखेंगे हम 3 नंबर का और 4 नंबर का रख सकते हैं। साथ में हम रखेंगे कॉकर फोर्सेप, जो कि स्ट्रेट और कर्व होती है। इन्हें हम सेट बना कर रखेंगे, 4 लार्ज कॉकर। और मॉस्किटो फोर्सेप कर्व्ड और स्ट्रेट होती है, जिनको भी हम चार चार का सेट बना देंगे, 4 कर्व्ड और 4 स्ट्रेट। आर्टरी फोर्सेप मॉस्किटो फोर्सेप का ही बड़ा भाई होता है, और थोड़ा उससे लॉन्ग होती है। ये भी कर्व्ड और स्ट्रेट होती है, इनका भी हम 4 सेट रख सकते हैं। बैबकॉक कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं डीएनसी सेट में। इसको भी हम लार्ज, मीडियम और स्मॉल 3 पीस में हम यूज़ कर सकते हैं। साथ
साथ में वो रखते हैं मेटजेनबम सीजर, जो कि स्ट्रेट होती है और कर्व्ड होती है। मायो सीजर होती है, वो भी स्ट्रेट एंड कर्व्ड दोनों तरह की आती हैं, तो इनको भी हम उसमें रख सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास फाइन टिप, जो कि स्टैंडर्ड सीजर होती है, वो रख सकते हैं। और एक होती है स्ट्रैबिसमस सीजर, ये सब सूचर कटिंग करने के लिए यूज़ होती है। अब रखेंगे हम साथ में नीडल होल्डर, जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके माउथ देखिए किस तरह से है, जो कि नीडल को होल्ड करने का काम आता है। इसे बोलते हैं मायो हैगस नीडल होल्डर। और साथ में रखेंगे हम थंब फोर्सेप, जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए होती है। दो तरह की होती हैं, प्लेन और टूथ। तो प्लेन उसमें होगा और टूथ में इसके आगे पे दांत बना हुआ। ये हमारे पास प्लेन फोर्सेप, और जो इससे पहले जो हमने देखे थे उसके मुंह पर दांत सा बना था। एक तरह की फोर्सेप होती है, जो ऑटोमेटिक फोर्सेप होगी, वो हमारे पास डिबे की होगी और शार्प होगी आगे से पॉइंटेड टिप वाली। साथ में हम रख लेंगे एलिस फोर्सेप, जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेगी। इसके मुंह पर भी दांत बने होते हैं, तो इसका भी एक चार का सेट बना लेंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जो कि हम डीएनसी सेट में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे @t4technohealth, और FB में मेरे पेज को सपोर्ट कीजिए, जो कि है T4 Techno Health। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल Techno Health। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।